केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भाजपा जैन प्रकोष्ठ महाराष्ट्र की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शहर के टेलीफोन एक्सचेंज चौक सीए रोड से डॉक्टर रिचार्ज क्लिनिक में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। इस शिविर में महाराष्ट्र उपाध्यक्ष जैन सेल ऋचा जैन, अध्यक्ष बीजेपी जैन प्रकोष्ठ नागपुर मुकेश जैन, शहर उपाध्यक्ष व्यापारी आघाड़ी राजकुमार जैन, डायरेक्टर डॉक्टर रिचार्ज यूनिक क्लिनिक डॉक्टर खुशी जैन प्रमुखता से उपस्थित थे। इस रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में रक्तदाता उपस्थित हुए थे। मैं डॉक्टर ऋचा जैन, उपाध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश जैन सेल और समस्त हमारी कार्यकारिणी नागपुर जैन सेल, महाराष्ट्र जैन सेल, आज मैं ये डॉक्टर होने के नाते मेरा अपना ये मानना है कि यदि हमने इस जीवन में जन्म लिया है तो हम दान चार प्रकार के बताए हुए हैं। हम कभी मंदिरों में दान करते हैं, तो कभी हम हेल्थ के लिए दान करते हैं, तो कभी हम दूसरी चीज के लिए दान करते हैं, पर यदि सर्वश्रेष्ठ दान इस विश्व में यदि कोई बताया है तो वह है हमारा खून। क्योंकि एक ही चीज ऐसी होती है जो हमारे शरीर से निकलती है और दूसरे मरीज के जान बचाने के लिए काम आती है। तो आज ये मैं मानती हूँ पूरे नागपुर में आज 8 दिन से ब्लड डोनेशन कैंप आदरणीय हमारे मिनिस्टर साहब श्री नितिन गडकरी जी के लिए चल रहे हैं, और आज यह जैन सेल का, महाराष्ट्र जैन सेल, नागपुर जैन सेल का ये कैंप आज यहाँ पर लगाया गया। और ये भावना के साथ लगाया गया है कि आज यदि हम गडकरी जी के जन्मदिन की कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो हम इससे बड़ी गिफ्ट नहीं दे सकते कि आज यदि हमने कोई खून दिया और जो डोनेशन हुआ वो डोनेशन केवल हमारे लिए काम नहीं आएगा, पर अपुते ऐसे बहुत सारे मरीज हैं जिनको यदि ब्लड लगता है और समय पे यदि ब्लड उनको नहीं मिल पाता, क्योंकि लास्ट 10 दिन से हम सब ये सुनते आ रहे हैं कि महाराष्ट्र में खून की बहुत कमी है, पेपर मीडिया भी इसको हाईलाइट किया कर रहा है। तो मैं आज यहाँ से सबको निवेदन करना चाहूँगी कि जो जो ब्लड डोनेशन कैंप जहाँ जहाँ लग रहे हैं, और ऐसा नहीं कि आज आपने ब्लड डोनेट कर दिया तो बाद में आपको नहीं करना है, ऐसे डॉक्टर गाइडलाइन आप एवरी 3 मंथ में एक बार ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। और जो खून आप देते हैं विद इन अ 45 मिनट्स उतना ही खून आपकी बॉडी में फिर से बन जाता है। तो आप ये कन्फ्यूजन कभी भी नहीं रखें कि खून देने से मैं कमजोर हो जाऊंगी, मुझे ये हो जाएगा। इवन एज ए डॉक्टर गाइडलाइन यदि आप खून देते रहते हैं तो आपको कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, आपको अदर डिसीजेज नहीं लगेंगी, आपको माइग्रेन्स नहीं होंगे, आपको ब्लड की डिसीज नहीं होगी, क्योंकि आपका खून चेंज होता चला जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी डिसीज है, यदि हम रक्तदान करते हैं तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आज यहाँ पर जीएसके ब्लड बैंक की पूरी टीम, डॉक्टर आशीष, डॉक्टर स्वेता खंडेलवाल यहाँ उपस्थित है, मैं दिल से पूरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको धन्यवाद देती हूँ, और ये कैंप हमारा ये सफल हो, और नितिन गडकरी जी को सभी की तरफ से जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयां देती हूँ। सादर जय जिनेंद्र। कैमरा पर्सन राजकुमार बोहट के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।